हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक न्यू सीरीज और जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जावा को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन है जावा की, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जावा क्या है। ठीक है जी, और नेक्स्ट और जितने भी इसके वीडियोज आएंगे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी जावा के कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने जावा के कॉन्सेप्ट सीखे हैं मैं उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सबको समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो और आप जावा को अभी स्टार्ट कर रहे हो, स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो और आप अभी आप जावा को स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में मैं बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जावा को डिस्क्राइब करने वाला हूं। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि जावा की इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है जावा, क्या है जावा, एक क्लास बेस्ड ऊप लैंग्वेज है। ठीक है, ऊप का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्लास बेस्ड का मतलब कि जावा में हम जो भी करते हैं वो हम क्लासेस क्रिएट करके प्रोग्रामिंग करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे कीवर्ड होता है हमारे जावा में क्लास, और उसके आगे हम क्लास के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास का नेम। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो भी होता है वो क्लास की बॉडी होती है। ठीक है जी, तो अभी मैं सिर्फ इसको इतना ही समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें हम यही समझेंगे कि जावा क्या है। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमारा हो गया कि जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब कि हम इसको जावा में जो प्रोग्राम, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके हम प्रोग्राम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो भी नॉर्मल कोई भी हमारी रियल वर्ल्ड थिंग होती है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर में हम, फर्नीचर क्या है, बेसिकली एक क्लास है। ठीक है, उसमें हम, उसमें आगे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल्स है, चेयर्स है। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और फर्नीचर क्या है, हमारी एक क्लास है। तो एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आगे जैसे हम करेंगे इसको, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्या है हमारा जो पॉइंट है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज। तो जावा जो है हमारी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब कि हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं जावा से, जैसे हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, GUI कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल गेम्स डेवलप कर सकते हैं हम जावा में। तो जावा जो है वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है राइट वंस रन एनीवेयर। अब इसका मतलब क्या है, राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब कि हमें अपने सिस्टम में एक बार इसको कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे ये जो है, लेट्स से ये जावा का प्रोग्राम है। ठीक है, अभी ये क्या है, जावा प्रोग्रामिंग हमने इसमें लिखी है। ठीक है, ये हम एक बार अपने सिस्टम में किसी भी हम टेक्स्ट एडिटर में इस प्रोग्राम को हम एक बारी राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो जब जावा कंपाइल होगी, जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसका यही मतलब है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसका यही मतलब है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, इसकी एक अलग से .c फाइल, ठीक है, .class फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम को, इसको जब मैं कंपाइल कर दूंगा तो इसकी एक डॉट क्लास अलग से फाइल क्रिएट होगी। ये कौन सी फाइल होती है, इसमें क्या होता है, डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, ये सिर्फ सिस्टम ही इसको समझ सकता है जो भी इसमें लिखा होता है। ठीक है, वो ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में नहीं होती। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में सिर्फ वो ही होती है जो हम क्रिएट करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, जिसमें हम क्लास वगैरह लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी ये क्लास, ये हमारी जो फाइल क्रिएट होती है डॉट क्लास फाइल, ये क्या होती है, मशीन रीडेबल होती है, इसको ह्यूमन रीडेबल रीड नहीं कर सकते। तो ये फाइल का क्या करती है, इस फाइल को मैं किसी और सिस्टम में भी रन कर सकता हूं। मतलब जो मैं प्रोग्राम क्रिएट करूंगा उसको जब मैं कंपाइल करूंगा तो उसकी एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। अब इस डॉट क्लास फाइल को मैं किसी और सिस्टम में भी रन कर सकता हूं। ठीक है, मतलब कि
मुझे सिर्फ एक बार इसको कंपाइल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, उसके बाद उसकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बाइट कोड फाइल कहते हैं, ठीक है, बाइट कोड कहते हैं। उस बाइट कोड को मैं किसी और सिस्टम में भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ और हार्डवेयर होगा। अगर आप किसी और सिस्टम में करोगे, जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई और हार्डवेयर होगा, हमारे सिस्टम में कोई और उसकी स्पेसिफिकेशंस होगी, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड नहीं करती जो हमारी बाइट कोड फाइल होती है, इसको हम किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं, सिर्फ हमें इसको एक बार क्रिएट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कंपाइल्ड बाय, कंपाइल्ड टू बाइट कोड। तो ये जावा की बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम इसकी बाइट कोड फाइल को किसी और सिस्टम में भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक JVM होना चाहिए, जो कि है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन वो उसमें होनी चाहिए, तो आप उस सिस्टम में फिर बाइट कोड फाइल को रन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग इन 1995। तो जो जावा है ये जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप की गई थी इन 1995, ठीक है जी। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन टू जावा, उसके बाद दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ जावा। तो जावा को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ जावा, जावा को हम किन किन कैसी कैसी चीजें बनाने के लिए डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी GUI एप्लीकेशन। तो जावा को हम GUI एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिस एप्लीकेशन में यूजर ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं GUI एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि हमारी एक विंडो है, तो विंडो में क्या है, हमारे ऐसे लोगोस बने होते हैं, ठीक है, लेट से ये माई कंप्यूटर है, उसके बाद ठीक है ऐसे रिसाइकल बिन है, तो ये क्या है, ये ग्राफिक्स हैं, हम इनके थ्रू ग्राफिक्स के थ्रू ही, आइकन्स के थ्रू ही अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम जावा को यूज करते हैं, ठीक है। जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। तो जावा को हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी होती है, जैसे आज के सिनेरियो में, जैसे हमारी जो लेट से हमारे प्ले स्टोर में जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने के लिए हम जावा का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी, जैसे कि हमारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, इनको भी डेवलप करने के लिए हम जावा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेमिंग एप्लीकेशन, गेम्स को, जो हमारी गेम्स डेवलप होती हैं, ठीक है, उनको भी हम जावा के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है जावा की एप्लीकेशंस। और पहले हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू जावा की, जावा कैसी लैंग्वेज है, ठीक है जी। और अगर मैं आपको अब बताऊं कि जावा अभी भी कितनी पॉपुलर है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि जावा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा जावा जो है वो कम होती जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जावा एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, और जावा का जो स्कोप है वो इन फ्यूचर इतनी जल्दी कम नहीं होगा, ठीक है, जितना अभी हम सोच रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे अभी पाइथन आ गई है, या फिर और भी आर लैंग्वेज आ गई है मशीन लर्निंग के लिए, या फिर और भी लैंग्वेजेज आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जावा का जो स्कोप है वो कम होने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टैक ओवरफ्लो के जो सर्वे है, स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्वे है 2021 का, उसमें जावा अभी भी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे, ठीक है, तो ये है हमारी मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज अभी भी 2021 में। तो ये है हमारी जो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है अभी 2021 में। तो ये देखिए जावा जो है इसमें फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जावा अभी भी इतनी पॉपुलर है कि ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है IT इंडस्ट्री से, ठीक है जी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ जावा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो है हमारा VS Code, ठीक है, और भी बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो कि
अच्छे हैं, लेकिन मुझे वीएस कोड पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीएस कोड को ही यूज़ करूंगा। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वीएस कोड को ही यूज़ करें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जावा की जो एक्सटेंशन है उनको यूज़ करेंगे, तो हमारा जो कोड करना होगा वीएस कोड के अंदर वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो हम जावा की जो जेडीके किट है, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अपना जो टेक्स्ट एडिटर है वीएस कोड उसको इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम जावा के सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।